हाय हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक लीगल वैकेंसी के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चाहे आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर ये जॉब है, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे अभी आप फ्रेशर हो, चाहे आपको कम एक्सपीरियंस हो, तीनों ही लोगों के लिए यहाँ पे एक जॉब निकली है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। ठीक है, उससे पहले मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं अन अकेडमी के थ्रू। गुजरात जुडिशरी सर्विसेज रैपिड लिंकिंग बैच, ये इस तरीके से 18 फरवरी से स्टार्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच फरवरी 2020 से बाय अनिल खन्ना एंड टीम। यूज़ कोड कुशांक, आप मेरा कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये होते हैं जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज अन अकेडमी के ऊपर। मंडे IPC, ट्यूजडे CRPC, वेंसडे CPC, थर्सडे एविडेंस, फ्राइडे TPA, सैटरडे कॉन्स्टिट्यूशन, संडे मिक्स बैंक, एंड वीकली करंट अफेयर्स का भी होता है सैटरडे संडे को। देन एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2022-23 प्रिपरेशन, यहाँ पे भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांक एंड ज्वाइन कर सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज, लाइव प्लस इंक्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDFs, ये भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड यूज़ करके कुशांक। ये फ्री स्पेशल क्लासेज हैं, हर एक दिन होती हैं ये, कॉन्ट्रैक्ट, CPC, जुरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, सब चीज़ों के ऊपर। तो ये यहाँ पे मैं भी क्लासेज देता हूँ बीच बीच में, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोड यूज़ करके कुशांक, आप ये फ्री क्लासेज को एक्सेस कर पाओगे। देन ये आइकॉनिक है, ये इसके अंदर 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप है, इसके अंदर पर्सनलाइज एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है आपको एग्जाम स्ट्रेटजी के ऊपर, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं। तो नो डिस्ट्रेक्शन, नो कन्फ्यूजन, गेट डेडिकेटेड 1:1 सेशन विद योर मेंटोर, क्लियर ऑल योर डाउट्स विद 1:1 लाइव मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म। ये सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का, जैसा भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 1 मंथ का करोगे तो 6,800 रुपीज़ पड़ते हैं, और अगर 24 मंथ्स का एक साथ करते हो तो पर मंथ 2,200 रुपीज़ पड़ते हैं, तो ये फ़र्क आ जाता है। और इसके ऊपर आपको 20% ऑफ मिल जाता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो कुशांक, तो आपको जितनी आपकी फ़ीस है उसके ऊपर और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइसिंग प्लान है, इसको आप अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मतलब कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, और अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप मेरा कोड यूज़ करके कर सकते हैं कुशांग। ठीक है, तो दोनों आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। देन ये हैंडल्स हैं अन अकेडमी के, यूट्यूब के अन अकेडमी जुडिशरी और टेलीग्राम का UNA जुडिशरी करके, तो आप ये दोनों को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अन अकेडमी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपनी जॉब के ऊपर, क्या है यहाँ पे देखते हैं हम कि ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जॉब है। तो यहाँ पे तीन तरीके की है, एक है सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट, एक है रिसर्च कंसल्टेंट, एक और एक है जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है कि किस तरीके से यहाँ पे आपकी जॉब्स है। अगर आप सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट लगना चाहते हैं तो आपकी PhD होना चाहिए। ठीक है, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल वर्क, इनमें से किसी भी चीज़ में। ठीक है, अगर आप रिसर्च कंसल्टेंट लगना चाहते हैं तो आपकी LLB या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए आपकी LLB के अंदर। और जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट लगना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी LLB या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, और वहाँ पे भी आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप GRC लगना चाहते हैं तो आपकी कुछ भी मिनिमम पास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, निल है, एज अ फ्रेशर आप लग सकते हैं। अगर आप RC लगना चाहते हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर SRC लगना चाहते हैं तो आपको 15 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। तो JRC में मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, RC में मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है, और SRC के अंदर मैक्सिमम एज 56 ईयर्स है। अब कितना यहाँ पे रेमुनरेशन मिलता है, अगर आप JRC लगते हैं तो 60,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे आपको। ठीक है, और अगर RC लगते हैं तो 75,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, कोई DA नहीं मिलेगा साथ में। और अगर आप SRC लगते हैं तो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं विदाउट एनी DA या अदर अलाउंसेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका होता है। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, ये वर्क है इनका कि इनको क्या वर्क करना होता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर NHRC की। अब ये आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं या बाय हैंड भी दे सकते हैं। ठीक है, नेशनल ये इस एड्रेस के ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बाय पोस्ट और बाय हैंड टू द अंडर सेक्रेटरी एस्टेब्लिश नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार भवन, C ब्लॉक, GPO कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110023, या ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं NHRCEST@NIC.in विदिन 30 डेज, यानी कि 2 फरवरी को ये आई थी, तो आप अभी 2 मार्च तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको किस फॉर्मेट के ऊपर अप्लाई करना है, ये यहाँ पे इसके एंड में ही ये दे रखा है, ये आपको डाउनलोड करके NHRC की वेबसाइट से आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, कि क्या है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल, ईमेल ID, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, एनी अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे अपनी लगा के भेज सकते हैं। और आपको एक यहाँ पे फोटो लगानी होगी अपनी पासपोर्ट साइज। ठीक है,
तो ये आपकी इस तरीके से है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप LLB आपकी हो चुकी है और या आप PhD हो चुकी है, तो दोनों में से कुछ भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया का। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप JRC में अप्लाई कीजिए, आपको कुछ एक्सपीरियंस है 10 साल का तो आप RC में अप्लाई कीजिए, और बहुत एक्सपीरियंसड हैं आप तो फिर SRC में अप्लाई कीजिए, क्योंकि JRC में तो वैसे भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, RC में 45 और SRC में 56 है। तो आई होप आपको कुछ हेल्प होगी इससे, और आपके जो फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके साथ भी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।